गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल्स। और यार आज हम लोग हैं घाट पे, यानी कि और एक मैंने घाट की वीडियो बना रखी है। तो उस टाइम तो यार हम लोग छठ पूजा घाट बनाने आए थे, पर आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। सुबह सुबह का टाइम है और नहाने आए हैं और यहाँ पे मंदिर भी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं। वैसे काफ़ी दिन हो गए यार पूजा किए, बचपन में ही पूजा वूजा करते थे। तो यार देख लो यही घाट है और इसी घाट पे अभी हम लोग नहाने वाले हैं और काफी शानदार घाट है। और मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो तिवारी जी को आप लोग पहले भी देखे होंगे, तो अभी भी देख लो तिवारी जी की बॉडी है और काफी अच्छी शानदार बॉडी बनाने के लिए ना इंसान सोचता है, ठीक है, जो की कभी बनेगी नहीं। तिवारी जी की बॉडी है। और यार हम लोग नहा के सोच रहे हैं कि मंदिर है तो मंदिर में थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। और यार बहुत दिन हो गया पूजा पाठ किए हुए। मैं जब छोटा था गांव में रहता था तभी पूजा किया करता था, यहाँ पे जब से बंगाल में आया तब से यार मतलब कि पूजा पाठ छूट ही गया है। यार वीडियो काफी शानदार होने वाली है, तो वीडियो में आप लास्ट तक। और यार इस वीडियो में मैंने मोटो व्लॉगिंग की है, तो यार वो चीज काफी अच्छी है और आप लोग देख के जाना इस वीडियो में। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पे नहाने वाला कार्यक्रम चालू हो गया है और कहते हैं ऐसे बॉडी हुआ है तिवारी जी का। हेलो फ्रेंड्स, और यार ये है ना तिवारी जी का पक्षीराज, रोबोट वाला पक्षीराज इसमें घुस चुके हैं तिवारी जी में। और यार बॉडी देख लो, जैसे वो मेकअप हुआ था वैसे ये मेकअप हुआ है। और देखिए बॉडी दो मिनट में हम गायब करते हैं, ओरिजिनल बॉडी। चश्मा देखिए भाई साहब, ये जापान से लाए हैं। सो हे गाइस, और यार हम लोगों का नहाना वाना खत्म हो गया, तो बस अभी हम लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। और तो यार अभी हम लोग भोले बाबा के मंदिर में हैं और यहाँ पे कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ से करके अभी हम लोग आगे निकलेंगे और फिर से मतलब कि गंगा घाट आए तो यार नहाना तो पड़ता है, नहाए और भोले बाबा का पूजा करना पड़ता है। और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर टोटल 12 शिवलिंग हैं और यहाँ का रेश्वरी मंदिर बोला जाता है हमारे रजेश्वरा के बगल में, ये कुलनगर में पड़ता है। और शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है और रजेश्वरी माँ का मंदिर जो है उसका थोड़ा सा यार चलो आप लोगों को वो भी मंदिर मैं आपको दिखा देता हूँ। और
और जैसे कि अभी शिवू और चंदन ये लोग पूजा कर रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दोनों लोग अभी मंदिर में घुस हैं और यहाँ से पूजा हो रही है और दोनों को दोनों पूजा किया है और यही था मेनली राजेश्वरी मंदिर और जो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया वो भी शंकर भगवान का मंदिर था उस एकदम गंगा जी के पास में बनाया गया है और जो राजेश्वरी माँ का मंदिर है वो इस साइड बनाया गया है। तो यार दोनों मंदिर काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं और यहाँ पे सबसे गेट के पास में ही शंकर भगवान की एक बहुत ही कैलाश वाली मूर्ति बनाई गई है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यार यही है, देख लो शंकर भगवान की पूरी कैलाश वाली मूर्ति दिख रही है और यहाँ पर आपको शंकर भगवान के साथ आपको ब्रह्मा और विष्णु भी दिखाई देंगे और भी कुछ देवी देवताएं हैं और पूरा का पूरा ये कैलाश पर्वत बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और अंदर का मंदिर भी यार काफ़ी अच्छा है। पर यार मैं अंदर का आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यार वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है और बस कैमरा जहाँ तक अलाउ है ना बस यहीं तक कैमरा अलाउ है। अगर इसके अंदर जाना है तो कैमरा लेकर नहीं भाई, कैमरा को पॉकेट में रखो और बस दर्शन करो राजेश्वरी माँ का और यहाँ से आगे चलो। सो गाइस यार चलो बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही था और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके यार बताओ कि तुम और यार अगर भूले भटके चैनल पर आ गए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके जाना। और ये तो था हमारे यहाँ का राजेश्वरी मंदिर जो कि ये मैंने आपको दिखाया और यार तुम लोग भी शेयर करो अपनी कुछ बातें जो कि अपने मंदिर में गए हो। और यार अगर आप लोग ब्लॉग देखते हैं तो यार मेरे चैनल में बहुत सारे ब्लॉग की वीडियो है तो जाओ यार वहाँ पर चेकआउट मारो तुम लोग बहुत सारी तुमको। और यार थैंक्स फॉर द वॉचिंग और यार चलो बाय बाय।